Good evening everyone, welcome back to our channel. Today I will discuss with you chemical properties of glycerol. और last video में मैंने आपके साथ physical properties discuss की थी glycerol की. अब देखिए जो glycerol है उसकी chemical properties को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसके structure पर एक बार जाएंगे. और मैंने आपको previous video में बहुत अच्छे से explain किया था glycerol का chemical structure. देखिए glycerol का structure कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें क्या होते हैं तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं. यानी कि ये जो ग्लिसरॉल है वो क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है विच हैज थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. ये क्या है, तीन OH ग्रुप. दैट मींस कि ये क्या है, एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है. और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लिसरॉल. अब देखिए जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल कंटेन टू प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड वन सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप. अब देखिए प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कौन से हैं इसमें और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा है इसमें, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, वन डिग्री अल्कोहल. मतलब वन डिग्री मतलब कि ऐसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं हम कि वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है. मान के चलिए हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो नेक्स्ट टू कार्बन से जुड़ा है, तो वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है. वैसे ये सारी चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, बट फिर भी क्योंकि मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ. कि जैसे मान के चलिए हमारे पास ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और कौन सा सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है तो आप कैसे बताएंगे. तो आप देखिए ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है. दैट मीन्स कि ये क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप. सेम अगर मैं इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करूं तो ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो नेक्स्ट वन कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी कैसा है, ये भी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है. तो ये जो दो हैं यहाँ पर वो कैसे हैं, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है. बात करें हम इस मिडिल वाले की, तो ये जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन से जुड़ा है, किससे और इससे, तो ये वाला जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा वो कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप. ये जो है वो कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप. समझ में आया आपको. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो ग्लिसरॉल है वो टू अल्कोहलिक, टू प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को कंटेन करता है एंड वन सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप को कंटेन करता है. किस तरीके से, कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है, वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी. आप इसको अपनी नोटबुक पे बना सकते हैं कि यहाँ पे जो बीच वाला है वो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है और जो साइड वाले हैं वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है. अब मेन पॉइंट जो हमारा है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल. तो हम आते हैं ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पर. ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया. चलिए देखिए ग्लिसरॉल की जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हम उसकी रिएक्शन देखेंगे वो देखेंगे सोडियम के साथ. कि अगर हम ग्लिसरॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फर्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो है विद सोडियम यानी कि Na. तो ये है हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर. अब इस ग्लिसरॉल को हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम के साथ. देखिए जब ग्लिसरॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी. ये जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होगा. तो ग्लिसरॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पे Na जुड़ जाएगा. तो हमें यहाँ पे मिलेगा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट. यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा CH2ONa. यहाँ पे CHOH एज इट इज रहेगा, यहाँ पे CH2OH एज इट इज रहेगा. यहाँ पे एक Na है तो इसका जो नाम है वो है मोनो सोडियम ग्लिसरोलेट. इसका नाम क्या है, मोनो सोडियम ग्लिसरोलेट. अब यहाँ पर जो मोनो सोडियम ग्लिसरोलेट हमें मिला है वो फर्दर रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ. जब ये दोबारा से सोडियम के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेगा, जब ये फिर से सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो रिएक्शन होगी सेकेंड टाइम वो रूम टेम्परेचर पर नहीं होगी, यहाँ पर इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे
हाई टेम्परेचर देना है रिएक्शन को, तब रिएक्शन होगी। तो जब हम इसको हाई टेम्परेचर देंगे और ये फर्दर मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये वाला जो यहाँ से हाइड्रोजन है वो यहाँ से हट जाएगा और उसकी जगह पे एन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा डाई सोडियम ग्लिसरोलेट CH2ONaCHOH CH2ON। ये जो होता है वो क्या होता है, डाई सोडियम ग्लिसरोलेट। समझ में आया? जब ग्लिसरॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे हमें मिलेगा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट, और जब वो फर्दर रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ एट हाई टेम्परेचर तो हमें यहाँ पे मिलेगा डाई सोडियम ग्लिसरोलेट। तो ये थी हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी विद एन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब सोडियम के साथ वो रिएक्ट करता है तो जब दो दो यहाँ पे सोडियम यूज हो रहा है, लेकिन पहला वाला जब रिएक्शन हो रहा था वो रूम टेम्परेचर पर है और दूसरा वाला जो रिएक्शन हो रहा है वो हाई टेम्परेचर पर है, और फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो डाई सोडियम ग्लिसरोलेट है। तो आई होप कि ये केमिकल प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप कौन से होते हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।